एम पूरा घुमा दिया था, वो मुझे बहुत ज्यादा ओपी लगा। अभी करेगा देखना यार। देखो यार बहुत ओपी लगता है ये वाला मूवमेंट। नहीं नहीं वीडियो फास्ट तो नहीं है क्योंकि गेम साउंड परफेक्ट आ रही। भाई क्या मूवमेंट है बंदे की, भाई यार मूवमेंट देख रहे हो। तो आ गया तुम्हारा भाई अंडररेटेड प्लेयर्स के ऊपर एक और रिएक्शन वीडियो लेके। तो हमारी पिछली अंडररेटेड प्लेयर की वीडियो में तुम लोगों ने कुछ प्लेयर्स के नाम बहुत ज्यादा स्पैम में किए थे और बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि इस प्लेयर पे रिएक्ट करो, अंडररेटेड प्लेयर है, इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, गेम प्ले बहुत ओपी लेवल का है। तो हमने उन सभी कमेंट्स को पढ़ा, उन सभी के गेम प्ले को देखा और उसके बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अंडररेटेड प्लेयर्स के ऊपर। तो हमारे इस थ्री फिंगर क्लॉक के अंडररेटेड प्लेयर्स की वीडियो में जो प्लेयर्स होने वाले हैं उनको मुझे तुम लोगों ने ही सजेस्ट किया है। तो हमारे इस लिस्ट में जो प्लेयर्स हैं उन प्लेयर्स को मैं पहले से नहीं जानता था, तुम लोगों के कहने पे ही मैं उनके चैनल पे गया, मैंने उनकी गेम प्ले देखी और मैंने लाइव रिएक्शन अपना रिकॉर्ड कर लिया। और भाई यार तुम लोगों ने क्या ही खतरनाक प्लेयर्स के नाम बताए थे यार, इन लोगों का गेम प्ले इतना ज्यादा ओपी लेवल का है और मैं सोच रहा था इनके इतने कम सब्सक्राइबर्स कैसे हैं यार। और मैं बता दूं हमारी इस लिस्ट में 5 अंडररेटेड प्लेयर्स होने वाले हैं। तुम लोगों ने बहुत सारे प्लेयर्स का नाम लिया था और मैंने सभी प्लेयर्स का गेम प्ले देखा, बट मुझे 5 ऐसे प्लेयर्स जिनका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा पसंद आया उनको मैंने इस वीडियो में रखा है। और लिटरली यार इन बंदों का गेम प्ले रोक FF से भी ज्यादा ओपी लेवल का है और वो भी मोबाइल में, क्योंकि यार हमेशा हम स्टार्टिंग से मोबाइल प्लेयर्स को ही सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी मोबाइल प्लेयर्स को ही सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पीसी में खेलना गलत है, पीसी वाले थोड़ा जल्दी ग्रो कर जाते हैं बिकॉज उनका गेम प्ले मोबाइल प्लेयर से थोड़ा ज्यादा बेटर होता है, मूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है और रेड नंबर और ग्राफिक्स के मामले में तो बहुत ज्यादा ऊपर है, इसलिए उनके सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ जाते हैं। बट हमारे मोबाइल प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं मिलता, उनके गेम प्ले पे कम व्यूज आते हैं, इसीलिए हमारे मोबाइल प्लेयर्स अंडररेटेड रह जाते हैं। तो चलो यार अपनी इस थ्री फिंगर क्लो में अंडररेटेड प्लेयर्स की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो टॉप 5 पे हमारा प्लेयर होने वाला है उस प्लेयर का मैं तुमको छोटा सा गेम प्ले का क्लिप दिखाना चाहूंगा, उसके बाद मैं तुमको उसके लाइव रिएक्शन पे ले जाऊंगा, मतलब कि जब मैंने उसका गेम प्ले पे रिएक्ट किया था उसके चैनल पे विजिट करके। बट पहले छोटा सा गेम प्ले का क्लिप देख लो। तो गेम प्ले तुम लोगों ने देख ही लिया और गेम प्ले में ये भी देख लिया होगा कि ये एक लो डिवाइस प्लेयर है। तो अब मैं तुम लोगों को इसके लाइव रिएक्शन पे ले जाता हूँ, जब मैंने इसका गेम प्ले देखा था तो मेरा क्या रिएक्शन था। वैसे मैंने इसकी पहले के गेम प्ले देख रखे थे बट इसने बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया था अपना गेम प्ले, क्योंकि इस बंदे ने खुद मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करके कहा इसका गेम प्ले देखने के लिए और मैंने इसे सजेशन दिया गेम प्ले इम्प्रूव करने का। बट जब इसने गेम प्ले इम्प्रूव कर लिया तो मुझे लगा कि ये बंदा डिजर्विंग है और बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है। तो चलो यार तुमको सीधा इसके लाइव ले जाता है। उस प्लेयर का नाम है टाइटैनिक FF। मैं इनके चैनल पे आ चुका हूँ और मैं बताना चाहूंगा कि इस बंदे को मैं पहले से जानता था, क्योंकि इस बंदे ने मेरे YouTube के थ्रू मेरे Instagram पे आया था, Instagram के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट किया था गेम में, और गेम में आने के बाद इस बंदे ने मुझे अपना पहले गेम प्ले दिखाया गेम के अंदर, फिर बाद में इस बंदे ने बताया कि इसका YouTube चैनल है। स्टार्टिंग में तो मुझे इसका गेम प्ले यूट्यूब पे उतना अच्छा नहीं लगा जो कि ऑडियंस देखती, बट इस बंदे ने अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है अपना गेम प्ले। तो तुम लोगों को मैं इसका गेम प्ले दिखा देता हूँ पहले। सी गाइस आई वाज नॉट अपलोडिंग वीडियोस बिकॉज आई वाज इंजर्ड। वाह भाई इंजर्ड लिखने का स्टाइल बड़ा मस्त था। एक हेडशॉट हमको देखने को यहाँ मिल गया है और मैं बता दूं हमारे इस वीडियो का जो कंटेंट है, दूसरा हेडशॉट देखने को मिल गया है, तुम्हें पता चल जाएगा क्या कंटेंट है, एक सेकंड। यहाँ तीसरा हेडशॉट बैक टू बैक देखने को मिल गया है। यहाँ कंटिन्यू बंदे ने 3 बंदों को कम से कम हेडशॉट मारा है, यहाँ भी 2 बंदों को हेडशॉट मार दिया है बहुत ओपी वाला, और यहाँ पे तीसरे बंदे को भी मार दिया है कंटिन्यू 3 बंदों को, और आई थिंक ये चौथे बंदे को भी मार देगा। बंदा काफ़ी ज़्यादा हेल्थ ले जा चुका था, चौथे बंदे को भी यहाँ मार दिया गया है। यार इसके वन टैप देख रहे हो कितने स्मूथ है, और बता दो लो डिवाइस में खेल रहा है ये बंदा। यार लो डिवाइस में भी इतनी ज़्यादा अच्छी एम एक्यूरेसी रखना और इतने क्लीन और इतने स्मूथ वन टैप मार पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है।
तो जैसा कि मैंने रिएक्शन में सब कुछ बता दिया, इस बंदे को मैं पहले से जानता था और इस बंदे ने काफी ज्यादा गेम प्ले इम्प्रूव किया है। अब इस बंदे ने मेरे से इंस्टाग्राम पे जिस टाइम कॉन्टेक्ट किया था और मेरे फ्रेंड लिस्ट में ऐड हुआ था, उस टाइम इस बंदे का गेम प्ले इतना अच्छा नहीं था, बट मैंने इसको बोला हार्ड वर्क करो तभी मैं तुमको अपनी वीडियोज में लूंगा, और इस बंदे ने हार्ड वर्क किया और इसका गेम प्ले काफी ज्यादा इसने इम्प्रूव कर लिया है। और इसका इंस्पिरेशन है ARKFF और इसकी तरह गेम प्ले करने की कोशिश भी करता है, जिसकी वजह से इसका गेम प्ले काफी ज्यादा ओपी लेवल का निकल के आता है। और मैं बता दूं, जो बैकग्राउंड में ये आप लोग गेम प्ले देख रहे हो, ये गेम प्ले ARKFF का ही है। ARK का वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो हमारे इस प्लेयर TitanicFF का वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और जो अपना चैनल चलाना चाहता है उनको बताना चाहूंगा, सबसे पहले अपने गेम प्ले को इस लेवल का बनाओ कि तुम्हारे गेम प्ले को देखने में ऑडियंस को मजा आए। जब तुम्हारे गेम प्ले को देखने में ऑडियंस को मजा आने लग जाएगा, ऐसे तुम लोग अगर 6-7 वीडियोस अपलोड कर देते हो अपने चैनल पे, तभी जाके कोई सपोर्ट करेगा। जब तक तुम खुद मेहनत नहीं करोगे, कोई दूसरा क्यों तुम्हारे लिए सपोर्ट करेगा यार? कोई दूसरा तुम्हें तभी सपोर्ट करेगा ना जब तुम खुद भी मेहनत करोगे। तो चलो यार, अगर मैं ये सब बताने लग गया तो हमारी वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाएगी। तो आते हैं अपनी लिस्ट के नंबर 4 के प्लेयर की, और नंबर 4 पे जो प्लेयर है उस बंदे का गेम प्ले मैं पहले तुम लोगों को दिखाना चाहूंगा, उसके बाद मेरा लाइव रिएक्शन दिखाऊंगा जब मैंने उसका गेम प्ले फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि ये बंदे को तुम लोगों ने ही मुझे सजेस्ट किया है। तो चलो यार, पहले तुम इस बंदे की गेम प्ले का छोटा सा क्लिप देख लो। तो इस बंदे का गेम प्ले तुम लोगों को पसंद आया ही होगा, और इस बंदे ने अपने वीडियोस में कंटिन्यू 4 बंदों को वन टैप मारा है, मतलब पूरा स्क्वाड क्लच में निकाला है। और हमारे इस अंडररेटेड प्लेयर्स के वीडियो के लिस्ट में जितने प्लेयर्स हैं, सभी प्लेयर्स का गेम प्ले इसी टाइप का है, उन्होंने कंटिन्यू रेड नंबर मारे हैं, पूरे स्क्वाड क्लच किया है यार। तो चलो यार, तुमको इस बंदे के चैनल पे ले जाता हूं और इसके लाइव रिएक्शन पे ले जाता हूं जब मैंने इसका गेम प्ले फर्स्ट टाइम देखा था। तो आ चुके हैं हम XTHAXZITHA, यार जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो मुझे नहीं पता, और 46 के सब्सक्राइबर 154 वीडियोस के साथ। मैंने इनका गेम प्ले अभी तक एक बार भी नहीं देखा है, तुम लोगों के कहने पे मैं इनके चैनल पे आया हूँ। यार तुम लोगों ने कमेंट बॉक्स में इनका नाम स्पैम कर दिया था और बोला था कि यार इस पे रिएक्ट करो, इस पे रिएक्ट करो, गेम प्ले बहुत ओपी लेवल का है। तो आगे हम इनके चैनल पे और इनके वीडियोस को देखते हैं। यहाँ पे 2 वीक एगो वाली बाहर में वीडियो दिख रही है जो कि हैकर नाम से है, इसी वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो इनके वीडियो में आ चुके हैं और मैं इनका गेम प्ले देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक वन टैप मार दिया गया है, क्योंकि तुम लोगों ने इनके गेम प्ले के बारे में मुझे बहुत स्पैम, यहाँ पे 1v3 खेला जा रहा है, 2 वन टैप मार दिए गए थे, फिर एक और वन टैप और एक और वन टैप बहुत ज़्यादा स्मूथ मार दिए गए हैं। बंदे का मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट काफ़ी अच्छा लगा यार इस बंदे का। देखो यार, शॉर्ट गन तो ओपी चला रहा है बंदा, और एम भी काफ़ी अच्छा है। इस बंदे का ग्लोवल भी मुझे पसंद आया, जो अभी इसने ग्लोवल मारा था। यार इस बंदे के शॉर्ट गन से एम एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, और वन टैप मिस नहीं हो रहे इस बंदे के। ग्लोवल स्पीड भी काफ़ी अच्छी लगी उस बंदे की। जैसा कि मैंने बताया, इस बंदे की मूवमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एम एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है, बट मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और इस बंदे के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तुम वहाँ से इनके चैनल पे जाके इनकी और वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। तो चलो आते हैं अपनी लिस्ट के नंबर 3 की ओर, और जो नंबर 3 पे हमारा प्लेयर होने वाला है, उस बंदे का तुमको गेम प्ले का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ पहले। अब गेम प्ले देखने के बाद जैसा तुम्हारा रिएक्शन है, उसी टाइम मेरा भी ऐसा ही रिएक्शन था। भाई क्या ही ओपी लेवल का गेम प्ले है यार, मुझे तो लग रहा था यार पीसी प्लेयर है, इस बंदे के कंट्रोल्स कस्टम होड दिख ही नहीं रहे थे। बट गाइज, ये मोबाइल प्लेयर ही है, और इसने मोबाइल में ही पीसी जैसे मूवमेंट करना सीख लिया है, पीसी जैसी मूवमेंट करता है और फुल स्क्वाड क्लच में मारता है यार। तो चलो मैं तुमको इसके लाइव रिएक्शन पे ले जाता हूँ, इनके चैनल पे ले जाता हूँ। तुम लोगों ने एक और प्लेयर का नाम लिया था, उस बंदे का नाम था BoltFF, और तुम लोगों ने इस बंदे का नाम कमेंट बॉक्स में इतना ज्यादा स्पैम किया था यार, मैं क्या ही बोलूं। तुम लोगों ने कहा था इस बंदे का गेम प्ले देखो बहुत ओपी लेवल का है, बिल्कुल रोक जैसा
गेम प्लेयर। तो आ गए हम इनके चैनल पे और इनके 12.3 के सब्सक्राइबर्स है 287 वीडियोस के साथ। भाई इतने सारे वीडियोस लेकिन सिर्फ 12.3 के सब्सक्राइबर्स। तो चलो यार बंदे का गेम प्ले देखते हैं, गेम प्ले कैसे। इनके चैनल पे आ गए हम और वीडियो सेक्शन में आ चुके हैं। इनकी ये वाली वीडियो देखता हूँ मैं, पीसी और वर्ड। वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और स्टार्ट होते ही एक वन टैप मार दिया है। बंदा फुल मैप में खेल रहा है, फुल मैप में काफी अच्छा इसके वन टैप देखने को मिल रहे हैं। अभी तक तो इसने दो वन टैप बहुत स्मूथ मारे हैं, बहुत ओपी वन टैप मारे हैं। यहाँ एक और बंदा आ गया, इसको भी वन टैप। और यहाँ वुड पैकर का एक ओपी सा वन टैप देखने को मिला है और एक और वन टैप मार दिया बंदे ने, और एक और बैक टू बैक यार। और ये एक मोबाइल प्लेयर है गाइज, बिल्कुल यार रोक जैसा गेम प्ले लग रहा है। और सॉन्ग भी रोक वाला ही लगा रखा है जो काफी वायरल हुआ था पहले, 24K गोल्डन मूड। एक वन टैप, दूसरा वन टैप, बिल्कुल यार रोक की तरह इस बंदे का। और यार ऐसा लग रहा है जैसे पीसी में ही खेल रहा है ये बंदा। कंटिन्यू वन टैप, एक और वन टैप। वाह भाई, भाई हेल्थ बहुत लो हो चुकी है यहाँ पे बंदे की, पर काफी अच्छा एक और वन टैप मार दिया। ओ भाई साहब, लास्ट टाइम पे क्रोनो लगा लिया वरना ये मर जाता। भाई यार कंटिन्यू तीन बंदों को और इतनी लो हेल्थ के साथ, यार मेरे तो हाथ कांप जाते हैं अगर मेरी इतनी लो हेल्थ हो जाती है। वन टैप तो गया भाड़ में, मैं तो भर देता हूँ पूरी M10 की गोली। बट यहाँ पे कंटिन्यू वन टैप मारा जा रहा है। इंप्रेसिव गेम प्ले यार, कुछ भी बोलो बंदे का गेम प्ले इंप्रेसिव है बहुत। ये भाई हमारे फुल मैप में काफी अच्छे मोंटेज बनाते हैं और फुल क्लच मारते हैं यार, पूरे स्क्वाड उड़ा देते हैं। और इनके चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तुम इनके चैनल पे जाके इनके वीडियोस को देख सकते हो। इनके चैनल पे और भी वीडियोस है जिनमें बहुत ही ज्यादा ओपी लेवल का गेम प्ले किया है। और वही अगर तुम लोगों में से कोई भी बंदा हमारे इन प्लेयर्स के किसी भी प्लेयर्स के वीडियो पे जाता है तो उनके कमेंट बॉक्स में लव फ्रॉम शार्प FF जरूर लिख देना। यार इनको पता तो चले हमने इन पे रिएक्शन वीडियोस बनाई है। तो चलो यार आते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 2 की ओर। और नंबर 2 का जो प्लेयर है ना यार, क्या ही बताऊं मैं। कुछ बोलने से पहले तुम लोगों को इनका गेम प्ले का क्लिप दिखाना चाहूंगा। और इनका गेम प्ले भाई नेक्स्ट लेवल का है। ये हमारे प्लेयर नंबर 1 पे होने वाले थे, बट नंबर 1 पे और भी ज्यादा बेस्ट प्लेयर हमको मिल गया जिस वजह से ये नंबर 2 पे आ गए। यार पहले तुमको इनका गेम प्ले का क्लिप दिखा दे। यार जो तुम्हारा रिएक्शन है इस टाइम, सेम रिएक्शन मेरा था भाई। तुम मतलब क्या ही बोलूँ, इस बंदे का गेम प्ले नेक्स्ट लेवल लगा यार मुझे। अच्छा रुको, मैं तुमको सीधा इस बंदे के चैनल पे ले जाता हूँ और इसके लाइव रिएक्शन पे ले जाता हूँ जब मैंने इसका गेम प्ले देख के फर्स्ट टाइम रिएक्ट किया था, क्योंकि इस बंदे का नाम मुझे तुम लोगों ने ही सजेस्ट किया था। और थैंक यू यार ऐसे ओपी प्लेयर्स का नाम सजेस्ट करने के लिए। यार मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे मोबाइल गेमिंग कम्युनिटी में इतने ज्यादा ओपी प्लेयर्स भी हैं, जो कि अभी तक अंडररेटेड है यार। ऐसे प्लेयर्स को मिलियंस में होना चाहिए था। तो मैं तुमको सीधा लाइव रिएक्शन पे ले जाता हूँ, मैं तुमको लाइव रिएक्शन दिखाता हूँ। यार तुम लोगों ने कमेंट बॉक्स में एक और प्लेयर का नाम लिया था जिसका नाम है स्पैरो FF। यार मैं तो एक ही स्पैरो को जानता हूँ, वो है हमारे जैक स्पैरो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से। बट देखते हैं हमारे इस स्पैरो भाई का गेम प्ले कैसा है, क्योंकि इनके काफी ज्यादा स्पैम थे और मैंने सबसे पहले इन्हीं का नाम नोटिस किया था, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा स्पैम थे इनके नाम से हमारे कमेंट बॉक्स में कि इनके गेम प्ले पे रिएक्ट करो, इनका गेम प्ले रोक से भी अच्छा है, ऐसे कमेंट थे यार। और इनकी 75 वीडियोस में इन्होंने 13.8 के सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। 75 वीडियोस बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलो यार इस बंदे का गेम प्ले देखते हैं इनके चैनल पे विजिट करके। तो अभी जो इन्होंने रिसेंटली वीडियो डाली है 9 डे एगो, काफी लेट है यार, 9 डे एगो अभी तक वीडियो अपलोड नहीं करी। चलो इसी वाली वीडियो को प्ले करके देखते हैं इस भाई का गेम प्ले कैसा है। तो ये फुल मैप है, फुल मैप का गेम प्ले है। यहाँ वुड पैकर और इस पास से खेल रहे हैं। ओ भाई ये कैसा वन टैप था यार। अच्छा अब कस्टम की बारी आ गया, कस्टम में इनका यार मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही है इसकी। कहीं गेम का साउंड तो सही आ रहा है स्पीड गेम की। भाई क्या मूवमेंट है इस बंदे की यार। ग्लू वॉल स्पीड देख रहे हो गाइज। भाई यहाँ पे वीडियो फास्ट करी है। ओपी वन टैप, ओपी। ओ भाई क्या बात है यार। भाई मेरी तो बोलती बंद हो गई है, बंदे की एम एक्यूरेसी परफेक्ट, हर चीज परफेक्ट है यार। ग्लू वॉल, वन टैप, एम एक्यूरेसी और मूवमेंट तो नेक्स्ट लेवल। भाई ये वाला ग्लू वॉल इसका मस्त लग रहा है यार, ग्लू वॉल लगाने का इसका स्टाइल और वन टैप मारने का स्टाइल।
भाई ये बंदा क्या गेम प्ले यार, लिटरली भाई देख रहे हो कितने क्लोज में वन टैप मार रहा है भाई। ऐसे ऐसे प्लेयर्स भी हमारी फ्री फायर की मोबाइल गेमिंग कम्युनिटी में। और इस बंदे के बारे में मैं तुमको एक और बात बताना चाहूँगा, इस बंदे का गेम प्ले देख के ही कोई भी एक पुराना प्लेयर बता सकता है कि इस बंदे ने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी। ये एक पुराना प्लेयर है 100% मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर हम किसी प्लेयर को देखते हैं एक यार गेम की समझ भी होती है कि तुम लोग ग्लोबल किस डायरेक्शन में मार रहे हो, तुम एनिमी को किस तरह मार रहे हो या तुम्हारे रिफ्लेक्सेस किस तरह हैं, ये सब गेम प्ले देख के पता चल जाता है। तो इस मैंने जो इस बंदे का नोटिस किया, इस बंदे का कहीं मिस टच नहीं हो रहा, मतलब इस बंदे ने अपनी ट्रांसपेरेंसी पूरी जीरो कर रखी है सारे बटन्स की, बट इस बंदे का हर जगह परफेक्ट टच हो रहा है। और उसमें अगर तुम लोगों का हर जगह परफेक्ट टच हो रहा है और तुम्हारी एम एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, तुम्हारी मूवमेंट नेक्स्ट लेवल की निकल के आएगी अगर तुमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। और इस बंदे की प्रैक्टिस इसके गेम प्ले से दिख रही है यार। मैं इस बंदे के गेम प्ले को मैं पूरा दिन देख सकता हूँ, इतना ओपी लेवल का गेम प्ले है और मूवमेंट इतना ज़्यादा ओपी कर रहा है। अब तो मेरे को जोश जग गया अंदर से इसकी तरह गेम प्ले करने का, इसकी तरह मूवमेंट करने का। मैंने ऐसे मतलब फुल मैप में इस तरह के मूवमेंट एमेटेन भाई के देखे थे, सबसे फास्ट रिफ्लेक्सेस अभी तक मैंने एमेटेन भाई के देखे थे। बट एक और बंदा मुझे मिल गया है। एक सेकंड यार, पहले देखने दो ये बंदा कौन से सर्वर का है, मुझे इसका सर्वर चेक करना है। गाइज ये बंदा पाकिस्तान सर्वर का है। ओपी यार, क्या गेम प्ले है भाई, दिल से रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए। तुम लोगों ने इनके गेम प्ले पे मेरा रिएक्शन देख ही लिया, और इन भाई का गेम प्ले बहुत ही ज्यादा ओपी लेवल का है यार, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और ये पाकिस्तान से है यार, इनको दिल से रिस्पेक्ट है यार, गेम प्ले इतना ज्यादा ओपी लेवल का है, गेम प्ले को दिल से रिस्पेक्ट है यार। गेम प्ले में कभी भी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश मत देखा करो यार, किसी भी बंदे को उसके लिविंग प्लेस से जज मत किया करो, उसके गेम प्ले से जज किया करो। मैं गेम प्ले देख के इस बंदे का फैन हो गया हूँ यार, हालांकि मैं इंडिया से हूँ बट मुझे इस बंदे का गेम प्ले इतना ओपी लगा यार, मैं इस बंदे के गेम प्ले का फैन हो गया हूँ और इसके लिए दिल से रिस्पेक्ट है। और इनके चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इनके चैनल पे जाके तुम इनके वीडियोस को देख सकते हो और इनके चैनल पे चले ही जाना यार, गेम प्ले कितना ओपी लेवल का है। और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना इनके चैनल को। और भाई आप लोगों में से जो भी इनके चैनल पे जाता है इनकी वीडियोस में लव फ्रॉम शार्प एफएक्स जरूर लिख देना यार, ताकि इनको पता चले कि हमने इनके रिएक्शन वीडियो बनाई है। और मोबाइल प्लेयर्स को सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर्स भी हैं हमारे इंडिया में, मुझसे जितना हो सकता है मैं सपोर्ट करूंगा यार, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब ग्रो करने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। कभी मेरे भी सब्सक्राइबर्स बहुत कम थे, मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, हालांकि स्ट्रगल अभी भी है, बट मुझे पता है कि जब तुम लोग मेहनत करो पूरी और सपोर्ट ना मिले तो कैसा फील होता है, बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं यार। और मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई इतना ओपी लेवल का खेलने वाला प्लेयर डिमोटिवेट हो जाए, इसलिए मेरे जितने ही सब्सक्राइबर हैं, जितने ही तुम लोग मेरे पास फैमिली हो, उतने से ही हम सपोर्ट करना चाहते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि हमारी फैमिली बढ़े तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर करो। अच्छा ही काम कर रहे हैं यार, कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं, हम मोबाइल प्लेयर्स को सपोर्ट ही तो कर रहे हैं, और हमारी गेमिंग कम्युनिटी में मोबाइल प्लेयर्स को सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है यार। तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर से शेयर कर देना, मैं जानता हूँ आप लोग वो सब तो कर ही दोगे। बट आते हैं अपनी लिस्ट के नंबर 1 की ओर, और जो नंबर 1 का प्लेयर है वो नंबर 1 पे रहना डिजर्व करता है यार। अच्छा तुमको उसके गेम प्ले का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। Yeah, stepped up like Pablo, I came with them shots. I got bad bitches on me, she bounce on my cocky. My wife in a mosh pit, blocked on my shot stick. Got bitch flipping in a Rolls Royce, she's high six. तो गेम प्ले तुम लोगों ने देख ही लिया, बट मैं तुमको इनके चैनल पे ले जाता हूँ और लाइव रिएक्शन दिखाता हूँ, उसके बाद पता चलेगा कि ये नंबर 1 पे क्यों है। हमारे कमेंट बॉक्स में एक और प्लेयर का नाम बहुत ज्यादा स्पैम किया गया था, और एक बंदे ने मुझे कहा भाई तुमने अगर इसको अभी तक नहीं देखा है तो तुमने क्या गेम प्ले देखा यार। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा प्लेयर यार, हमें भी देखना चाहिए। तो मैं इनके चैनल पे पहुंच चुका हूं, इनका नाम है कारी FF और इनके 47.2K सब्सक्राइबर्स है 21 वीडियोस के साथ। और 21 वीडियोस में 47.2K सब्सक्राइबर्स करना काफ़ी बड़ी बात होती है, और वो भी सिर्फ अपने गेम प्ले से, क्योंकि हमारे चैनल पे हमारे इस वीडियो में जितने प्लेयर्स हैं मोस्टली गेम प्ले के ऊपर ही उनका चैनल है। तो चलो यार इनकी वीडियोस को देखते हैं, इनके चैनल पे हम आ चुके हैं और इनकी वीडियोस को देखते हैं।
इन्होंने अभी 13 आवर्स एगो एक वीडियो अपलोड करी है, और इससे पहले इन्होंने 2 मंथ एगो वीडियो अपलोड करी थी 40K। अच्छा उस टाइम इनके 40K, उससे पहले इन्होंने 4 मंथ एगो, उससे पहले 6 मंथ एगो। भाई क्या है इतना ज्यादा गैप वीडियोस में। इनका चैनल देख के मुझे हमारे राइस्टार भाई की थोड़ी सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि हमारे राइस्टार भाई का जो मेन चैनल है अगर तुम लोग जानते होगे तो बहुत ज्यादा टाइम पे वो बहुत ज्यादा लेट वीडियोस अपलोड करते हैं। और चलो यार इनका गेम प्ले देखते हैं, इनका गेम प्ले किस टाइप का है, 40K वाला देखते हैं जब इनके 40K हुए थे 2 मंथ एगो। वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे पहला वन टैप बहुत ज्यादा क्लोज रेंज में मारा गया है, एक और वन टैप मार दिया है, एक और वुडपैकर का वन टैप, काफी ज्यादा स्मूथ वन टैप। सेकंड वन टैप बहुत ओपी, भाई साहब मतलब इस बंदे का एम देख रहे हो तुम, मतलब अभी जो इस बंदे ने किया, एक सेकंड देखने दो यार क्या किया इस बंदे ने, एम पूरा घुमा दिया था, वो मुझे बहुत ज्यादा ओपी लगा। अभी करेगा देखना यार, देखो यार बहुत ओपी लगता है ये वाला मूवमेंट। हमारे टकलू बंडल के साथ खेल रहे हैं कारी भाई। भाई मतलब एक चीज तुमने नोटिस करी, हमारे इस बंदे ने, हमारे इस प्लेयर का जितने भी कस्टम, जितने भी वीडियोस इसने अपलोड किए हैं वो सारे रियल कस्टम है, कोई भी स्क्रिप्टेड मैच नहीं है। तुम लोग देख पा रहे होगे तो अपोजिट के एनिमी उतना ही ओपी खेल रहे हैं जितना कि हमारे कारी भाई खेल रहे हैं, और अपोजिट के एनिमी बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं, और ये बिल्कुल रियल मैच है। और रियल मैच में अगर तुम लोग ऐसे मोंटेज निकाल पाते हो बहुत बड़ी बात होती है। ये वाला शायद हमने क्लिप देख लिया था, इसके आगे जाते हैं हमारे टकलू भाई के पास। यहाँ देखो गाइस क्या ओपी वन टैप मारा इसको, यार गेम प्ले मुझे काफी पसंद आया, और हमारे राइस्टार भाई से बिल्कुल मैच कर रहा है इनका गेम प्ले। ये बिल्कुल हमारे ग्लू वॉल स्पीड भी इनकी काफी अच्छी है, एम एक्यूरेसी भी इनकी काफी अच्छी लग रही है मुझे। इनका कस्टम हुड काफी हद तक राइस्टार भाई से हमारे मैच कर रहा है, जब हमारे राइस्टार भाई मोबाइल में खेला करते थे तो इनका कस्टम हुड काफी ज्यादा मैच कर रहा है, बस ग्लू वॉल उनका नीचे में था, इन्होंने ग्लू वॉल थर्ड फिंगर पे लगा रखा है। भाई क्या गेम प्ले है यार, ये हमारा इंडिया का सेकंड राइस्टार हो सकता है, भाई क्या गेम प्ले है। एक सेकंड देखना चाहूंगा कि ये कौन से सर्वर का है। गाइस ये बंदा पाकिस्तान से है, ओपी यार गेम प्ले सच में बता रहा हूँ ओपी है, ये पाकिस्तान का राइस्टार हम बोल सकते हैं इनको, बहुत ज्यादा ओपी गेम प्ले है यार, ये नंबर वन पे रहना डिजर्व करते हैं हमारे वीडियो में। इनका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का है, बिल्कुल राइस्टार जैसा। तो जैसा कि तुम लोगों ने रिएक्शन में देख ही लिया, ये भाई भी हमारे पाकिस्तान से हैं, इनके चैनल का नाम कारी FF है जैसा कि मैंने बताया था, और इनके चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और ये पाकिस्तान के राइस्टार भी कहे जाते हैं। जब मैंने इन पे रिएक्ट किया था उसके बाद मैंने और भी वीडियोज़ देखे थे, और क्रिएटर्स के वीडियोज़ देखे थे, इनके साथ वर्सेज भी देखे थे, फिर मुझे पता चला ये पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये तो नहीं बट इनका गेम प्ले बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पाकिस्तान के बहुत प्लेयर्स इनको जानते हैं, और ये पाकिस्तान के बहुत से प्लेयर्स की इंस्पिरेशन भी रह चुके हैं, और ये पाकिस्तान के राइस्टार है जैसा कि मैंने तुमको बता ही दिया था। मतलब कि हमारे कारी भाई ने अपनी पहचान ही ऐसी बना रखी है, जैसे हमारे राइस्टार को ले लो, उनके चैनल पे अगर 4 मंथ तक भी वीडियोस अपलोड ना हो तो उनका चैनल डेड नहीं होता है, ऐसी हमारे कारी भाई ने अपनी कुछ पहचान बना रखी है, जिस रीजन से अगर वो 4 मंथ 2 मंथ तक वीडियोस अपलोड ना करें फिर भी उनका चैनल डेड नहीं होता है, ग्रोथ रेगुलर चालू रहती है, और ऐसा तभी होता है जब तुम लोगों ने अपने नाम से पहचान बनाई हो। तो बाकी हमारे सारे प्लेयर्स के चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और तुम लोग इनके चैनल पे जरूर जाना यार। तुम लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताना हमारे इस 3 फिंगर क्लो अंडररेटेड प्लेयर के लिस्ट में तुम किस प्लेयर को पहले से जानते थे, और सबसे अच्छा गेम प्ले तुम लोगों को किस प्लेयर का लगा, और अगर तुम लोगों में से कोई इनके चैनल पे जाता है तो यार लव फ्रॉम शार्प FF जरूर से लिख देना एक प्यारे से दिल के साथ। तो यार अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ठोक देना, इससे वीडियो रेकमेंड होती है और नए लोगों तक, जिससे कि हमारे अंडररेटेड प्लेयर्स का ही फायदा है, और मैं इसी तरह के ओपी कंटेंट्स बनाते रहता हूं, हमारे अंडररेटेड प्लेयर्स पे रिएक्शन वीडियोस बनाते रहता हूं, और आप लोगों के लिए एक से एक बेस्ट प्लेयर्स की 1v3 वीडियो पे रिएक्शन वीडियो लाते रहता हूं, और बहुत तरह के कंटेंट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आगे के कंटेंट्स मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी एक छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो फिर मिलूंगा किसी और दिन किसी और ओपी से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।